नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्या मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, बहुत से बच्चे हैं, छोटे बड़े बच्चे, जो कि बताते हैं कि हम कुछ भी याद करते हैं और हमें याद नहीं होता। पहला चीज, दूसरा चीज, पढ़ाई लिखाई में हमारा मन नहीं लगता है। दरअसल है क्या चीज़ कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसको उस हिसाब से अपने मन में बैठाएंगे तभी उसमें आपकी इच्छा बनेगी। जैसे आप विद्यार्थी जीवन में हैं, अगर पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, पिक्चर देखने में रुचि ले रहे हैं, तो आपका अधिक मन पिक्चर देखने में लगेगा। लेकिन सबके बॉडी के अंदर जो मेमोरी का सिम्टम है वो सबका एक बराबर है। किसी का ऐसा नहीं कि छोटा है बड़ा है, सोच नहीं पाते, नहीं कर पाते। बस अंतर इस चीज़ का है कि आप उसको केंद्रित नहीं करते हैं। अगर आपको अंदाज करना है कि हमारी मेमोरी सही है, हम ठीक ढंग से मन क्यों नहीं लगा करके पढ़ रहे हैं, या जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि क्यों नहीं लग रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस क्षेत्र में आपकी रुचि लग रही है आप उसी क्षेत्र में ध्यान लगाइए। देखिए कितना जल्दी आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। जैसे अगर आपको मैथ बहुत अच्छी तरह से आती है, तो आपको बायोलॉजी अगर दिया जाएगा यानी साइंस का कोई भी चैप्टर दिया जाएगा, अगर आप साइंस में रुचि नहीं लगाते हैं तो आप यही कहेंगे कि हमको साइंस समझ में नहीं आता है, हमारी रुचि नहीं लग रही पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप जितना दिल और दिमाग लगा करके आप मैथ को पढ़ रहे हैं यानी गणित को पढ़ रहे हैं, अगर उतना ही दिल और दिमाग लगा करके आप साइंस को पढ़ेंगे तो आप बढ़िया से उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब है क्या चीज़ कि अगर हिंदी में आपकी रुचि है, संस्कृत में रुचि है, उर्दू में रुचि है, इंग्लिश में रुचि है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि अधिक है आप उस पर अधिक बल देकर पढ़ेंगे, और जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि कम है यानी आपकी इच्छाएं उसके प्रति नहीं बढ़ रही है, तो उसको आप अपने दिमाग में कम बैठाते हैं। इसलिए लगता है कि हमें एक चीज़ याद हो जा रही है, इंग्लिश याद हो जा रही है, उर्दू हमको नहीं आता, हिंदी याद हो जा रही है, संस्कृत हमको नहीं आता। ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि सबका याददाश्त एक बराबर है, बस उसको सोचने की बात है। और आप सोचेंगे उस हिसाब से अपने पढ़ाई या किसी भी कार्य में अगर रुचि लगाएंगे, मन से करेंगे, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये करने रुचि लगाने के बाद भी आप काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम फिर भी हमारा मन नहीं लग रहा है या हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठ रही, तो उसके लिए हमारे होम्योपैथ की जो मेडिसिन है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, आप उस होम्योपैथ की मेडिसिन को यूज करिए। उस मेडिसिन का नाम है आयरिस बर्सिकुलर। आयरिस बर्सिकुलर 200 पावर की मेडिसिन होम्योपैथ की स्टोर से आप ले लीजिए, और 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम रेगुलर तब तक यूज करें जब तक कि आपका पढ़ाई में या जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें रुचि नहीं लग रही है। आप देखिए 35 से 45 दिन के भीतर इतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप ऐसा अनुभव नहीं किए होंगे कि ऐसा भी जीवन में संभव हो सकता है। तो दोस्तों, हमने जो मेडिसिन का नाम बताया अभी, आयरिस वर्सिकुलर 200 पावर की मेडिसिन लीजिए, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम लीजिए 15 दिन तक। 15 दिन के बाद फिर इस मेडिसिन को 3 बूंद 1 बार कर दीजिए। उसके बाद जब 1 महीना हो जाए तो 1 दिन बीच करके 2 दिन बीच करके आयरिस वर्सिकुलर 200 पावर की मेडिसिन को आप रेगुलर कुछ दिन यूज कर लीजिए। देखिए पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में आपकी रुचि इतना बढ़िया से लगने लगेगी जिसका आपने अंदाजा नहीं किया होगा कि नहीं, भविष्य में ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, शिक्षा सबके लिए बहुत ही सर्वोपरि है। अगर आप बढ़िया ढंग से किसी भी क्षेत्र में शिक्षित होना चाहते हैं तो जो मेडिसिन हमने बताया उसे आप मार्केट से लेकर के यूज करिए, एकदम कंप्लीट स्वस्थ हो जाएंगे।